अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है जनाब। आज मैं जो है वो अपने बर्ड फ्लू ग्रिड लगा रहा हूँ और छोटे छोटे टिप्स मैं आप दोस्तों से शेयर करता जाऊँगा। ग्रिड जो है आप किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इमरान भट्ट साहब हैं, बड़ी अच्छी ग्रिड बनाते हैं। एक और भाई भी हैं, एसन भाई मुल्तान में, वो भी ग्रिड बनाते हैं। और ये मैं इस दफ़ा जो है फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ सिटाकस की। थोड़ी एक्सपेंसिव है ये सिटाकस की जो है वो ये ग्रिड है जो मैं लगा रहा हूँ। और ये आज जो है वो मेरे सारे रिंगनेक को ऐसे छोटे छोटे बर्तनों में जो है वो लगाता जा रहा हूँ। ये देखें अगर आप, तो ये सारी जो है ये ग्रिड लग रही है बर्तन में, ये इतनी ग्रिड डाल दीजिए। तो ये जो है ग्रिड बेसिकली दाने की तरह नहीं खाते। कुछ लोगों का मानना है कि पैरट को ग्रिड नहीं डालनी चाहिए। ग्रिड के बारे में यही है कि जो सीधी चोंच वाले बर्ड्स हैं उनको ग्रिड डालते हैं, जो टेढ़ी चोंच वाले जितने भी पैरट्स हैं उनको ग्रिड की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि ये डालने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि बर्ड जो है वो अपने बॉक्स को नहीं कुतरते और जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो जो है वो निकालते हैं, ग्रिड को चबाते हैं, जिससे इनको किसी हद तक फ़ायदा भी होता है और ये इनके लिए बेनिफिट भी यही रखें। वो बर्ड ने ग्रिड खानी शुरू कर दी है। तो जिनका ख्याल है कि बर्ड ग्रेड नहीं खाते, तो ये देख लें कि जनाब बर्ड ग्रेड खा रहे हैं। तो अभी जो है ये हमने रिंगने को लगाई है, इंशाल्लाह अभी हम ग्रे को भी लगाएंगे। ग्रे बेसिकली हम प्लास्टिक के बर्तन में नहीं लगा सकते क्योंकि वो प्लास्टिक के बर्तन को कुतर देगा। तो हम किसी मट्टी के बाउल में हम जो है वो फिर उनको ग्रेड लगाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं।